हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैकयार्ड गार्डनिंग हिंदी। मैं हूं आपकी दोस्त स्वाति और आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत प्लांट हिबिस्कस यानी गुड़हल की। आई एम श्योर सभी गार्डनिंग लवर्स के पास कम से कम एक गुड़हल का पौधा तो जरूर होगा और इस प्लांट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जरूर फेस की होंगी आपने, फिर चाहे वो पेस्ट अटैक की हो या फिर इसमें फूल ना आने की हो या फिर कलियाँ तो आ रही हैं लेकिन वो खिलने से पहले ही झड़ जा रही हो। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास 10 से ज़्यादा कलर्स के हिबिस्कस के प्लांट्स हैं, पिंक के सारे शेड्स, वाइट, रेड, ऑरेंज, येलो और शेडेड कलर्स में भी, लेकिन पिछले कुछ मंथ से उनमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से ऐसा हो रहा है, फिर मैंने उसमें कंपोस्ट डाला, होममेड फर्टिलाइजर्स डाले, DAP भी डाला, फिर भी कुछ असर नहीं दिखा क्योंकि प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी उसमें। फिर मैंने जब पास से एग्जामिन किया प्लांट को, लीव्स के नीचे, स्टेम्स पे, फिर मैंने देखा कि एक्चुअली ये सब करने वाले ये कल्प्रिट्स, ये पेस्ट्स हैं, वाइट फ्लाइज और मिलीबग्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लांट में काफी सारी कलियां हैं लेकिन उतनी ज्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही थी उसमें, ये खिल नहीं पा रहे थे अच्छे से क्योंकि खिलने के पहले ये झड़ जा रहे थे। ये पेस्ट्स फ्लावर बड्स पे अटैक करते हैं, उसमें अपने एग्स ले करते हैं जिससे ये इन्फेक्टेड बर्ड्स वीक हो जाती हैं और येलो होने लगती हैं और खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं। फिर मैंने नीम ऑयल सॉल्यूशन स्प्रे किया इससे छुटकारा पाने के लिए लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं रहा। उसके बाद मैंने पाइप से फोर्स से वाटर स्प्रे किया और इवन मैंने नर्सरी से कुछ पेस्टिसाइड्स भी खरीदे, फिर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा। फ्रेंड्स, हिबिस्कस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेस्ट अटैक की वजह से ही बर्ड्स फॉलिंग हो रही हो, इसके और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है, इनसफिशियंट वाटरिंग हो सकती है, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होना, इवन ओवर फर्टिलाइजिंग से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे प्लांट्स में ऐसा पेस्ट अटैक की वजह से ही हो रहा था। फाइनली मैंने ट्राई किया सोपी वाटर सॉल्यूशन और उसके लिए आपको कोई भी डिटर्जेंट पाउडर लेना है, उसे पानी में मिक्स करें, नॉर्मल टैप वाटर ही लेना है, गर्म पानी नहीं मिक्स करना है क्योंकि ये जो सोप होगा या जो सर्फ होगा वो आराम से मिक्स हो जाएगा पानी में और उसके बाद उसे आप अच्छे से स्प्रे करें फ्लावर बड्स पे, लीव्स पे, स्टेम्स पे और लीव्स के नीचे भी, और ऐसा आपको वीक में 2 से 3 बार करना होगा और यकीन मानिए आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको जरूर बताएं मुझे कमेंट करके। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।